नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज। आवाज वो कार्यक्रम है कि जिसके जरिए हम लोगों की आवाज बनते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, कभी ना झुकते हैं, ना डरते हैं और ना ही डराते हैं। दर्शकों, ऐसी कई आवाजें हैं जो हमारे आपके बीच में गूंज रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहां उनको जाना है। तो यही काम करती है आवाज की टीम। हम ऐसे लोगों की आवाज बनते हैं और जहां तक उनको पहुंचना है वहां तक पहुंचने की हर संभव कोशिश करते हैं। दर्शकों, दिल्ली की सड़कों पर शिक्षक बेरोजगार बैठे हैं। सुनने में अटपटा, थोड़ा सा नासच ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन दर्शकों ये कड़वा सच है। और शिक्षक तो शिक्षक, ये लोग, ये युवा आईआईटी एनआईटी जैसे संस्थानों से पास आउट है। तो ये कहीं ना कहीं उस भ्रम को भी तोड़ता है कि जिसके जरिए ये कहने की कोशिश की जाती है कि अगर आप आईआईटी में चले गए, एनआईटी में चले गए तो जीवन खुशहाल है, कभी बेरोजगारी की वो तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो बीते लंबे वक्त से दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि उन्हें न्याय नहीं मिलता। वो बार बार हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, ये युवा टेकिप टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के जरिए सरकार की तरफ से विभिन्न संस्थानों में रखे गए थे ताकि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया जा सके, ताकि जो क्वालिटी है, जो टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी है, उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। लेकिन दर्शकों, बड़े दुख की बात है कि जैसे ही गवर्नमेंट को लगा कि ठीक है उनका यह प्रोग्राम काम किया, नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी है, लेकिन इन्होंने इनको छला है, इन्होंने इनके साथ एक खेल खेला है। और अब जब ये युवा, ये शिक्षक मांग कर रहे हैं कि क्यों ना इनके प्रोग्राम को एक बार फिर रिन्यू किया जाए, क्यों ना इनको एक बार फिर वापस लिया जाए, कि क्यों ना इनकी जो सेवाएं हैं वो जारी रखी जाए, लेकिन सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रही। दर्शकों, ये बड़े ही दुख की बात होती है कि ऐसे वक्त में जब सरकारों को चाहिए कि वो इनकी मदद करें, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए अभी तक आगे नहीं आया, कोई भी इनकी सुनना नहीं चाहता। तो दर्शकों, ऐसे में आवाज की टीम ने निर्णय लिया कि हम इनकी आवाज बनेंगे और ये जो कुछ कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, वो सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि वहां कुछ हलचल पैदा हो। इसीलिए आज मैंने निर्णय लिया कि अपने आवाज के कार्यक्रम में एक बार फिर इनकी आवाज बनने का हम काम करेंगे। और ऐसे में मेरे साथ आज कुछ युवा जुड़ेंगे जो आज से पहले तक एक सम्माननीय पदों पर शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे, लेकिन सरकार की गलत प्रोग्रामिंग के जरिए झट से यूं ये लोग आज बेरोजगार हो गए। दर्शकों, दिल्ली की सड़कों पर जब जाते हैं तो देखने को मिलता है कि कैसे ये बेरोजगार शिक्षक अपनी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इसमें लड़कियां भी हैं, बेटियां भी हैं, और इसमें बेटे भी, लड़के भी हैं, जो अपने घर बार की हर जिम्मेदारी को छोड़कर आज दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे। वो बेटियां भी हैं जिनके लिए सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ लिख तो गई, लेकिन सरकार की एक नीति की वजह से, सरकार की गलत प्रोग्रामिंग की वजह से, सरकार के एक फैसले की वजह से वो बेटियां सड़कों पर भटक रही है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार अभी भी आश्वासन देने में मशगूल है, इस पर कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। इन सभी शिक्षकों ने मंत्री जी से मिलने की कोशिश की, सरकार के नुमाइंदों से बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद मिला तो सिर्फ आश्वासन। तो ऐसे में आज के आवाज के कार्यक्रम में वो सभी लोग जो दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और उनका बहुत बहुत स्वागत है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो प्रोग्रामिंग थी अब इनको किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक फैसला जो सरकार का लिया गया, आज जब उस फैसले में फिर यू टर्न आया तो उस फैसले ने इनको सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया।
तो ऐसे में हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, अंशुल साहब हैं, आनंद जी हैं, अंकिता जी हैं। सबसे पहले आनंद जी, मैं आप पर आना चाहूंगा। आप कम शब्दों में अपनी पुत्री व्यथा जो है वो हमारे दर्शकों को बताइएगा। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले तो मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी आवाज बन रहे हैं और मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 1500 IIT NIT को शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार का एक बेंचमार्क माना जाता है। जैसे IIT NIT आज रोड पर खड़े होकर अपनी प्रार्थना लेके सरकार के सामने खड़े हैं और रोज सरकार से मिलने की कोशिश करते हैं, कभी कभी सरकार से मुलाकात भी होती है, बट जो भी काम होना है वो काम नहीं होता। वर्ष 2017 के दिसंबर में भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक शैक्षणिक रूप से कमजोर कुछ राज्यों को एक इनेबलिंग मैकेनिज्म के थ्रू सेलेक्ट किया गया था, जिसमें 1554 सहायक प्राध्यापक को भेजा गया था और जिसका रेम्यूनरेशन केंद्र सरकार के द्वारा था, बट राज्य सरकार में हम अपनी सेवाएं दे रहे थे। प्रोजेक्ट इस तरह से डिजाइन था कि 3 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को फंड करेगी, उसके बाद राज्य सरकार हमें समायोजित करेगी। आनंद जी, आपको यहाँ पर आनंद जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, किसी का फोन वाइब्रेशन मोड पर लगा हुआ है, कृपया उसको साइलेंट पर कर लीजिएगा। जी आनंद जी, बात रखिए। यस। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग सरकार से लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं, बट अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। और 30 सितंबर जो कि बहुत ही करीब है, और हम लोगों को 30 सितंबर के बाद नियमितीकरण के लिए एक सस्टेनेबिलिटी प्लान सरकार द्वारा निर्गत होना था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। और दिल्ली की सड़कों पर पिछले 25 दिनों से हम लोग मंडी हाउस और शास्त्री भवन के सामने हम लोग रोज अपनी प्रार्थना लेकर खड़े होते आपका, हैं। आपका बीते, आपका बीते एक लंबे समय से डेली का रूटीन क्या है, जरा रूटीन बताइएगा, ताकि सरकार समझ सके कि IIT NIT से पास होकर इनका रूटीन क्या है। आप रूटीन बताइए, सुबह किस तरीके से उठते हैं, नहा धो के फिर मंडी हाउस जाते हैं, उस बात को जरा बताइए। जी मैं दोनों रूटीन बताता हूँ कि मैं पहले क्या करता था और अब क्या करता हूँ। पहले हम लोग सुबह उठते थे, अपनी नींद छुपिया करके अपने केबिन में चले जाते थे और दिन भर जो भी हम लोगों का लेक्चर होता था वो लेते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज करते थे और रिसर्च करते थे। लेकिन अभी पिछले 25 दिनों से जी बात रखिए अपनी। जी तो चलिए ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से आनंद जी अभी हमारे साथ नहीं। आनंद जी हमारे साथ कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से। तो जैसा कि आनंद जी बता रहे थे कि किस तरीके से पहले दिनचर्या क्या थी और अब दिनचर्या क्या हो चुकी है, वो किस तरीके से बता रहे थे कि बीते एक लंबे समय से वो दिल्ली की सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं। सरकार के लोगों से बातचीत होती है लेकिन कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिलता, कोई मुकम्मल रास्ता नहीं बताया जाता, कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात नहीं। तो एक बार फिर से मेरे साथ आनंद जी जुड़े हैं, तो उनकी बातचीत जो थी वो पूरी कर देता हूं। आनंद जी, आप बता रहे थे कि पहले आपका रूटीन क्या था और अब आपका रूटीन क्या है। जी तो अभी पिछले 25 दिनों से हम लोग दिल्ली की सड़कों पर हैं और हम लोग इसमें जो है कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर पुलवामा के कॉलेजों के कुछ लोग हैं, त्रिपुरा, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड के सभी लोग इकट्ठे होकर हम लोग दिल्ली में कहीं कहीं अपने रिलेटिव्स या कहीं किसी जगह पे किसी तरीके से हम लोग रात बिताते हैं। और दिन की सुबह होते ही हम लोग मंडी हाउस और शास्त्री भवन पे जाते हैं और रोज सरकार से मिलने का प्रयास करते हैं और डिफरेंट मीडिया के माध्यम से अपनी बातों का पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बट शिक्षा जैसे इतना संवेदनशील मामले होते हुए भी सरकार इसको प्राथमिकता से नहीं ले रही है और हम लोगों को कोई निर्णय नहीं दे रही है। अभी तक आनंद जी, सरकार के आनंद जी, अभी तक सॉरी टू इंटरप्ट यू आनंद जी, अभी तक सरकार के किस मंत्री से, संबंधित मंत्री या किन मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, जिनसे आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है शिक्षा मंत्रालय के, उनसे हमारी मुलाकात हुई।
जी और उनको हमने अपनी पूरी बात बताई और हमने बताया कि एमओयू के अकॉर्डिंग अभी तक सबको समायोजित होना था जी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उनसे दो बार मुलाकात हुई, हम लोग और भी सरकार में जो भी अपना बड़ा कद रखते हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश की और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और अपने मैटर को अब उनके समक्ष रखा। माननीय लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आपकी प्रशंसा नीति आयोग AICTE डिफरेंट डायरेक्टर्स जो कि IITs के हैं, जो कि स्टीयरिंग कमेटीज में है, सबने सराहना आपकी की है, तो आपके लिए अब तक कुछ सलूशन हो जाना चाहिए था। इवन जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे है वो भी बोल रहे हैं कि सलूशन हो जाना चाहिए था, बट अभी सलूशन के लिए आगे की प्रक्रिया कुछ फॉलो नहीं हो रही है। समस्या कहां नजर आ रही है? समस्या आपको क्या लगता है कि पूरी कहानी जो है वो कहां पर अटकी है? सॉरी, मतलब समस्या कहां पर आ रही है? आप जैसा कि बता रहे हैं कि मंत्री जी भी कह रहे हैं कि सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था, समस्या आपको कहां लग रही है? पेच आपको कहां लग रहा है, कहां पर फंसा हुआ है? यस यस, देखिए समस्या इसमें हमें ये लग रही है कि राज्य सरकारें इस मैटर को प्राथमिकता से ले नहीं रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को विभिन्न पत्राचार के माध्यमों से बार बार कह रही है कि जो है इनका। चलिए ठीक है, आपका शायद नेटवर्क कुछ समस्या हो गई है, लेकिन कोई नहीं, बार बार जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे क्योंकि मुद्दा जो है वो बड़ा संवेदनशील है। तो ऐसे में टेक्निकल फॉल्ट हो, टेक्निकल दिक्कतें हो, कोई भी किसी भी तरह से आवाज़ को दबा नहीं सकता। बार बार होने दीजिए, बार बार समस्याएँ आने दीजिए, लेकिन हम भी देखेंगे कि समस्याओं में कितनी ताकत है। ठीक है, तो इसके चलते खैर आनंद जी का थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, तो कोई नहीं, आनंद जी पर दोबारा आएंगे, लेकिन हम दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनसे बातचीत करेंगे। अंकिता जी हमारे साथ हैं। अंकिता जी, आप मुझको सुन पा रही हूं, तो एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा अंकिता जी पूरा। जी नमस्कार, मेरा नाम अंकिता चंद्राकर है, मैं एक टेक्यू फैकल्टी हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ में कार्यरत हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि समस्याएं आती रहती हैं, तो ऐसे ही एक बहुत समस्या आई थी सारी दुनिया पर, जो कि था कोविड की समस्या। और इस कोविड के समस्या में जो क्लासरूम वाली जो टीचिंग थी हमारी, ये पूरे तरीके से बंद हो चुकी थी और ऑनलाइन में हमें शिफ्ट होना था जी। तो क्योंकि हमें भारत सरकार ने बहुत सारे विभिन्न IITs में एडवांस पेडागॉजी की ट्रेनिंग करवाई हुई थी, तो हम जो फैकल्टीज थे, टेक्यू फैकल्टीज थे, हमारे लिए वो डिजिटल टूल्स यूज करना, हमारे लिए ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग करना, ये सब बहुत ही आसान था जी। और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इंस्टीट्यूट के जो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स थे उनको भी हमने सिखाया कि हाँ, आप इस तरह से ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, गूगल क्लासरूम, यूट्यूब यूज कर आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो वो जो कोविड का क्राइसिस था उसको भी हम टेक्यू फैकल्टीज ने एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और हमने उसको समस्या को हमने अच्छे तरह से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था जी। और जैसे कि आपने एक और बात कही कि इस टेक्यू फैकल्टीज में कुछ लेडी फैकल्टीज भी हैं, फीमेल फैकल्टीज भी हैं, और हमारे देश में हमेशा ये बात होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। अब हमें ये जो टेक्यू फैकल्टीज में करीबन 150-200 लेडी फैकल्टीज हैं, फीमेल टेक्यू फैकल्टीज हैं, हम इस देश की हाईली क्वालिफाइड बेटियां हैं जो हम IITs NITs से पढ़ी हुई हैं। हमारा जो चयन हुआ था वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का सबसे रिग्रस प्रोसेस और सबसे अनोखा ऐतिहासिक प्रोसेस था हमारा चयन करना, और फिर हमें जो पोस्टिंग दी गई थी वो बैकवर्ड एरियाज में पोस्टिंग दी गई थी, तो हम इस विजन के साथ आए थे कि हम कुछ देश की सेवा के लिए आ रहे हैं। और जो फीमेल फैकल्टीज हैं वो हाईली एजुकेटेड फीमेल फैकल्टीज हैं और वो भी इस देश की सेवा के लिए आई हुई थी आगे। और पिछले एक महीने से मैं बता दूं कि वो फीमेल फैकल्टीज भी कभी शास्त्री भवन के सामने, कभी मंडी हाउस के सामने अपने परिवारों के साथ बैठे हुए हैं, जस्ट टू रिक्वेस्ट कि हमारा जो रिटेंशन था, जो हमारी सस्टेनेबिलिटी बात कही गई थी, वो जैसा MOU में लिखा गया था वो हमें मिल जाए। ठीक है अंकिता जी, जहाँ पर आप बता रही हैं कि आप और आपके जैसे कई जो बेटियाँ हैं वो बैठी हुई हैं, उन्हीं सड़कों से वही मंत्री वही नेता लोग निकलते हैं जो लोग इस तरीके के फैसले लेते हैं, जो कानून बनाते हैं, किसी ने भी
वहां से निकलती हुई गाड़ी ने किसी ने भी रोक कर आपकी परेशानी को पूछने की कोशिश की है? जी हाँ, पूछते हैं लोग, पूछते हैं कि आप क्यों बैठे हो यहाँ पर, आपका क्या वो है, तो इन्हें हमदर्दी होती है और ये हमें कहते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बेहतर काम किया है हर जगह। हमारा जब रिक्रूटमेंट हुआ था विथ इन अ ईयर, नीति आयोग जो थिंक टैंक बुलाया जाता है, जिसको भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक नीति आयोग ने हमारे एक साल के काम पर रिपोर्ट जारी कर दी थी कि ये जो फैकल्टीज हैं ये बैकबोन है उस इंस्टीट्यूशंस के जहाँ ये काम कर रहे हैं, ये लाइफ लाइन है और इनके चले जाने से वो इंस्टीट्यूशंस में जितने भी चेंजेस आए हैं, जितना भी अपलिफ्टमेंट हुआ है, सब धराशायी हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो इनको रिटेन करना बहुत ही मस्त है। जी बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ गया, आप कहीं ना तो कहीं आपकी लोग बातों सुनते का... हैं हमें। जी बिल्कुल, हाँ। अंकिता जी आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बातों का जो लबोलुआब है वो ये है कि सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ लिख जाए फिर उसके बाद क्या? ठीक है, तो अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस चीज को देख रहा हो तो इस बेटी की अपनी नौकरी बचाने के लिए फिर एक महीने से सड़क पर भटको, तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा देख रहा हो सड़क पर खड़ी हुई है। ठीक है जी बिल्कुल, सरकार में अगर कोई भी नेता मंत्री कोई भी कार्यक्रम देख रहा हो तो थोड़ी सी शर्म अगर बाकी हो तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, अंशुल जी हैं और अनुराग जी भी हैं। तो अंशुल जी आप पर आना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं पहले तो परिचय दे दीजिएगा थोड़ा सा। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अंशुल अवस्थी है, मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी आवाज आप तक पहुंची, वरना हम दिल्ली में तो 25 दिनों से बैठे हुए हैं। हमारे और मंत्रालय के बीच में एक सड़क का फासला है और हमारे और नेशनल मीडिया के बीच में 50 मीटर का, वहाँ पे हम 25 दिनों से देख रहे हैं, वो भी वैंस खड़ी हैं, बहुत सारी खड़ी हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो हम तक पहुँच नहीं पाते हैं। नहीं, आप तो आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए वो आप तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि जमीन पर सच्चाई कुछ और होती है, आंकड़े जो है वो गुलाबी होते हैं, तो गुलाबी आंकड़े दिखाने का काम करते हैं लोग। ठीक है, नहीं नहीं वो मतलब मैं उसको नहीं जाना चाहता, लेकिन ठीक है, मतलब ये हमारा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर स्थिति ये है कि अगर हम ये बोलें कि केंद्र सरकार बहुत विजन लेस है, ये भी सच नहीं है। अगर विजन लेस होती तो हमारा रिक्रूटमेंट नहीं होता जी। ये टीके प्रोजेक्ट नहीं होता जी। वो लोग इस चीज को लेकर चिंतित थे कि इनका 3 साल के बाद क्या होगा जी। अगर चिंतित नहीं होते तो वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं बनाते जी। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान में ये ना लिखते कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट द वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड। यहाँ पे मुद्दा में केवल एक दिक्कत समझ में आ रही है, वो है विलनेस कि किसी को क्वालिटी एजुकेशन की पड़ी नहीं है। उनका एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट उन्होंने अपने मानकों के तौर पर सफल घोषित करने की कोशिश की जी। और निश्चित तौर पे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, हम लोगों ने अपने दिन रात दिए हैं जी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है आपके चैनल के माध्यम से कि क्या सुधार 3 सालों तक बांध के रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, अब मैं तो ये पता है कि एजुकेशन जो सुधार है जी 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 जी। अंशुल जी मैं देखो एक बात बताता हूँ आपको, आपका जो मुद्दा है वो दरअसल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको बस परसेप्शन का अंतर होता है इसको देखने और समझने के लिए। आप इसको अपने पर्सनल लेवल पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस लेवल से देखता हूँ। आपकी बात अगर ज्यादा समाज के बीच जाती है, अगर ज्यादा पब्लिक के बीच जाती है तो ठीक है, आपको अगर आपकी जो परेशानियां उनको संज्ञान में लेकर सरकार कुछ करती है तो बहुत बढ़िया काम है, ठीक है, और ये करना चाहिए सरकार को। लेकिन जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो IIT कर रहे हैं, NIT कर रहे हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दुख होगा, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होगा कि देखिए पढ़ लिख गए, IIT तक पहुंच गए, NIT तक पहुंच गए। लोगों का सपना होता है ये, कई लोगों का 12th पास करके जो लड़के लड़की जो बाहर आते हैं, जो छात्र छात्राएं आते हैं, उनका सपना होता है। अब देखिए आपकी तस्वीर अगर वो देखेंगे तो कहेंगे बताइए, तो ये बहुत ब्रॉड मैटर है, इस पर सरकार को इसलिए और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सरकार को अध्यापक होने के नाते जी, अध्यापक होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि लोगों को डिमोटिवेट होना चाहिए। सरकार को शर्माना चाहिए इस बात में, मैं इसलिए कह रहा हूँ।
हाँ उनको उनको जरूर होना चाहिए, लेकिन जो हमें देख रहे हैं जो बच्चे हैं जो आईआईटी का सपना देखते हैं एनआईटी का सपना देखते हैं वो जरूर देखें, बहुत अच्छे संस्थान है, देश के नामी संस्थान है। जब हम अंशुल जी मैं दर्शकों के लिए भी बात कर रहा हूँ कि जब हम देखिए जब हम बात करते हैं कंट्री की तो कंट्री में क्या होता है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनका हम इतना बेहतर इस्तेमाल करें, इतनी अच्छी ब्लेंडिंग करें कि उनका हम इस्तेमाल करके भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, भारत का थोड़ा सा ग्रोथ उसमें करें। इसीलिए और अंशुल आप लोग आप जैसे लोग आप इतने ज़्यादा अच्छे बेहतरीन शानदार तरीके से पढ़े लिखे इतना एजुकेटेड इनफ आपका तो कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की। जब आप पदों की बात होती है बहुत अलग तरीकों से आपका वो किया जा सकता है, सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि जिन संस्थानों में हम लोग हैं जी हमसे पहले वहाँ पे फैकल्टीज नहीं थे जी, वहाँ पे 60% वैकेंसीज हैं जी, वहाँ की जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 300 रुपए 400 रुपए घंटे पे चलाई जा रही थी लोगों को, बीटेक वाले बच्चों को जो किस कहीं से भी हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बना रखा है जी। तो ये स्थिति से उबारने के लिए ही तो हमारी जरूरत थी, राज्यों ने केंद्र सरकार से बोला है कि हमें अच्छी फैकल्टीज दीजिए जी, तब केंद्र सरकार ने हम लोगों का चयन करके भेजा है। अब स्थिति यह है कि किसी को क्वालिटी की पड़ी नहीं है जी। अभी हम लोग हैं उन्होंने गेस्ट फैकल्टीज और मैं आपको बता दूं कि अभी हम बेरोजगार नहीं हुए, हमें बेरोजगार में 6 दिन है अभी पर जी, अच्छा। और हम पूरे आशान्वित हैं कि इन 6 दिनों में कुछ ना कुछ बेहतर हो। नहीं नहीं उम्मीद मुझे भी पूरी है, मैं दिल से कहता हूँ इंटेंशन है मेरी पूरी कि बिल्कुल आपका जो भी है सब कुछ आप सफल होंगे बिल्कुल। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिन महाविद्यालयों में हमने जीवन के 4 महत्वपूर्ण साल दिए हैं, जिन सरकारों के विजन को हमने साकार करने के लिए अपने 4 महत्वपूर्ण साल दिए हैं वो 300 रुपए 400 रुपए घंटे पे फैकल्टी हायर करके हमें रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। नहीं नहीं सरकार आपकी बिल्कुल हम कोई आंदोलनकारी लोग नहीं है। नहीं बिल्कुल मुझे हम जिस तरीके से बैठते हैं आज तक जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो ये बोलते हैं कि अपने पूरे पुलिस के कैरियर में मैंने इतना शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं देखा। हम हाथ जोड़कर बैठते हैं, हम अपने पैम्पलेट के साथ बैठते हैं। आप वो लोग हैं अंशुल जी, आप लोगों के साथ जब मैं जुड़ता हूँ बातचीत करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा सौभाग्य सा महसूस होता है कि आपके साथ ये क्वालिटी एक तरीके से क्वालिटी टाइम है आपका। कल काम हो जाएगा आप लोग फिर से मैं आपसे जुड़ता रहूंगा, आपसे ज्ञान प्राप्ति करता रहूंगा। अनुराग जी और हमारे साथ हैं, अनुराग जी आप भी जरा अपना परिचय दे देते अगर जी। अनुराग जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा अगर मैं नाम सही ले पा रहा हूं, अनुराग जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अनुराग जी अपना परिचय बता दीजिएगा। जी मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है और मैं यूपी के डीआईटी झांसी चलिए अनुराग जी के नेटवर्क्स में कुछ परेशानी है शायद, तो आनंद जी अंकिता जी और अंशुल जी ने बहुत अच्छे से बात करी हमसे और अनुराग जी से हम फिर कभी जुड़ने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल अनुराग जी आप आ रही है, हाँ जी बताइए अनुराग जी। चलिए अनुराग जी कुछ परेशानियां हैं शायद टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आनंद जी और अंकिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अंशुल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अनुराग जी आज बातचीत नहीं हो सकी इसका दुख रहेगा लेकिन फिर कभी जुड़ेंगे फिर बातचीत करेंगे और अगली दफ़ा जब मिलेंगे आप चारों से तो खुशी के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये वो सभी लोग थे जो आईआईटी से पास हैं एनआईटी से पास हैं। दर्शकों बार बार इनकी बात को उठाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इनका कुछ पर्सनल है, जो समस्या जो है वो पर्सनल है उसको दिखाने की जरूरत है ताकि वो पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बात बिल्कुल वो नहीं, बहुत ब्रॉड एंगल्स है, बहुत ब्रॉड समस्या है कि अगर आईआईटी एनआईटी वालों को सरकार एक रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, अगर उनके पास जितना ज्ञान है अगर उस ज्ञान को उस एजुकेशन को उस टेक्निकलिटीज को सरकार इस्तेमाल ना कर पाए तो फिर क्या फायदा है? वो सीट भी खराब होती है जहां के लिए लाखों युवा लड़ते हैं, वो पढ़ाई का एक पूरा बजट एक करिकुलम वो सब कुछ बर्बाद होता है, किसी शिक्षक की मेहनत बर्बाद होती है जो वहां पर उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं काबिल बनाते हैं और फिर वो शिक्षक बन चुके थे, वो भी किसी की जीवन में बेहतरी शानदार और सुधार ला रहे थे,
लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि ये सड़कों पर है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा, सरकार अगर मेरे को सुन रही है तो सरकार से मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए, इनकी तमाम परेशानियों को सॉल्व किया जाए और मसले को बड़ा मामला ना बनने दिया जाए, बल्कि इसको यहीं शांत किया जाए और जल्दी से ऐसा दिन आए कि लोग आपस में मिठाई खिलाएं और खुशियां मनाएं। आवाज के अगले कार्यक्रम फिर एक नए मुद्दे के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।